माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी और स्टफ, बहुत प्यारा जो मुझे दराज ने भेजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल, शुक्र के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के हो चुके हैं 10, और मैं और माँ हम लोग आए हुए हैं आज। हम रबे हमारी टूट गई है लाइट वाली तार, और बिजली वाली तार जो है अभी हम सही कर रहे हैं। तकरीबन यहाँ से ऊपर से भी टूट गई थी, और इस वाली साइड पर जो है सेव है, और ये रोड जा रहा है। अभी जो है मज़र भाई ऊपर चढ़े हुए हैं, वायर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों साइडों से जो है ना वो ट्रैफिक वगैरह आ रही है, तो यही वजह होती है कि इसलिए हमने इस वायर को जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऊंचा कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इलेक्ट्रिक वायर जो है वो हमने अच्छे से बांध ली है, और लाइट वगैरह भी आ रही है। तो अभी जो है माहम उधर देखो, हेलो कर दो। हाँ जी, तो अभी हम जा रहे हैं बाज़ार, और बाज़ार आपसे मुलाकात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लकड़ियां हमने कंडे के ऊपर रख ली हैं, और जी तकरीबन 14 किलो जो है वो वज़न आ चुका है इसके ऊपर। अभी मज़ीद जो है वो हम लेके आ रहे हैं, खान भाई भी लेके आ रहे हैं साथ। तो अभी थोड़ी देर तक जो है ना हम सारा अपना जो लकड़ियां वगैरह ना उसको तोल लेंगे, और फिर रिक्शा आता है तो उसके ऊपर लोड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो लकड़ियाँ मौजूद हैं। ये हमारी बाइक खड़ी है, और ये खान भाई की चारपाइया जी। इस चारपाई पे बैठ के जो है ना ये डीलिंग वगैरह करते हैं। देख लीजिए कितनी बड़ी चारपाइया, बैठक की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। और चारपाई को भी इन लोगों ने जो है ना वो ताला लगा के रखा हुआ है कि कोई उठा के ना ले जाए। तो अभी देखते हैं जी कितना, 1 मन बालन जो है वो हमने रख लिया है तोल के, और अभी तकरीबन 20 किलो हो गया, 10 किलो मजीद रहता तो ये 1 मन और पूरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, ये लोहे वाला स्टैंड ये उतर जाता है कंडे से, और इसको जो है फिर वहाँ पे उठा के नीचे रखेंगे, और खान भाई नीचे रख देंगे तो भाई फिर इसको जो है ना उल्टा देंगे, तो फिर आगे वाली साइड पर जब उल्टाएंगे ना तो वो ऑटोमेटिक जो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंस चार्ल्स खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 2 मन लकड़ियाँ हमने तोल के रख ली हैं। अभी मज़ीद जो है 3 मन लकड़ियाँ और तोलनी हैं। भाई तलवा रहे हैं साथ, मज़र भाई भी हैं, खान भाई भी लगे हुए हैं, और जनाब जो है वीडियो बनाने में मसरूफ़ हैं। तो अभी थोड़ी सी हम भी उनकी हेल्प करवा दें। लोडर रिक्शा हमारा आ चुका है, और उसके ऊपर जो है वो हमने अपना लकड़ियों को लोड करना शुरू कर दिया जी। चेक कर लें जी, लंबाई का रुख जो है वो हम लोड कर रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर तक जो है हम अपना लकड़ियों को इसके ऊपर लोड करेंगे और घर की तरफ चले जाएंगे। मेरी मेरी बरसते क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह जी लोडिंग हमने कर ली है, और कुछ हमने जो है वो बांध के भी रख लिया, इसको छत के ऊपर रखेंगे। आलन लोड कर लिया है हमने, और अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और घर की तरफ चलते हैं, और घर जाके भी इसको भी हमने छत के ऊपर लटकाना है। तो आइए हमारे साथ। बिस्मिल्लाह, बोला चल आराम उत्ते रखी रिक्शे में बैठ चुका हूँ मैं, और अभी जा रहा हूँ मैं घर बाइक पे। मज़े भाई और भाईजान जो है वो बाइक पे आएंगे, तो अभी देख लें जी रिक्शे के ऊपर बैठ के रोड देख लें जी, कैसा रोड लग रहा है। माशाल्लाह से नज़ारे ही वख रहे हैं जी। घर आ चुका है, और अभी हम जो है यहाँ से उतारने लगे हैं लकड़ियाँ। अभी नासर भाई कह रहे हैं थोड़ी सी रेस्ट कर लें, और ये करने लगे हैं अभी थोड़ी सी रेस्ट, और बग्गी भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ये बालन जो है वो सारा हम उतार कर जो है ना ऊपर छत पे स्टोर कर देंगे। लकड़ियाँ हमने छत के ऊपर स्टोर कर ली हैं, यहाँ से आ रही है सीधी धूप, और जल्दी जल्द जो है ये ड्राई हो जाएंगी। शाम के 3 बज चुके हैं, और अभी मुझे जो है वो दराज ऑफिस से कॉल आई है कि आपने जो प्रोडक्ट्स मंगवाई थी ना
वो आप आके रिसीव कर लें। कल भी उसी नंबर से कॉल आई थी लेकिन कल बिजी होने की वजह से मैं नहीं जा सका, तो अभी जो है वो दराज की ऑफिस से मैं होके आ गया हूँ। तो अभी मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ अपनी प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाई थी। क्या मंगवाया था वो अभी जैसे ही हम इनवेल्प को अनबॉक्स करेंगे, खोलेंगे इस प्रोडक्ट को, फिर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि मैंने भी व्लॉगिंग के लिए स्पेशल चीज़ जो है वो क्या मंगवाई थी। अभी मैं टाउन में खड़ा हूँ, पीछे आप लोग देख लें कि रोड है और ट्रैफिक आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सीन है माशाल्लाह से, और धूप बिल्कुल जो है ना वो मेरे लेवल फेस के ऊपर जो है वो आ रही है। तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। हाँ जी, तो फाइनली जो है वो दराज वालों का मैंने मंगवा लिया था प्रोडक्ट, और इसको बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी ना वो इसके ऊपर मेंशन की हुई है, तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना आपके सामने ही इसको मैं ओपन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी जी, माशाल्लाह से मैंने ओपनिंग कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ओपनिंग कर ली है, और ये बिल वगैरह जो आया हुआ है साथ, और साथ में जो है माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत जो है ना हमें उन्होंने भेजा है सेल्फी स्टिक। अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसको ओपन करते हैं। माशाल्लाह से चेक करें जी हमारी न्यू सेल्फी स्टिक की लॉगिंग के लिए, और अभी इसको टेप भी लगाई हुई है इन लोगों ने ऊपर। अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और टेप भी खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टेप मैंने खोल ली है और अभी जो है वो आपके सामने ही हम जो है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। माशाल्लाह से चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, इतनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल जो है ना माशाल्लाह से सेल्फी स्टिक जो है वो हमें रिसीव हुई है। वैसे अगर आप मार्केट से इसको परचेज करें ना तो ये आपको 2500 से 3000 के अराउंड अबाउट मिलती है, और मुझे जो है ये तकरीबन जो है ना 1000 रुपये में पड़ गई है। फ्री डिलीवरी थी दराज पर, सेल लगी हुई थी, अचानक से मैंने देखा तो मेरा दराज पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। आई लव दराज और आई लव माई न्यू व्लॉगिंग सेल्फी स्टिक। अभी जो है इसको थोड़ी देर तक मैं यूज़ करता हूँ और आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि ये यूज़ करने में किस तरह का है। बहुत ब्यूटीफुल, इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था, मोस्टली जो व्लॉगर हैं उनके पास जो है इस तरह की सेल्फी स्टिक थी, और मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल था कि यार मैं भी इस तरह की सेल्फी स्टिक लूँ, और मार्केट से पता किया तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, जैसे मैंने आपको बताया कि 2500 से 3000 के अराउंड अबाउट मिलती थी, और मुझे ये तकरीबन दराज से जो है ना वो 1000 रुपये में मिल गई। और क्वालिटी और स्टफ इतना अच्छा है इसका, और ये वैसे भी जो है ना ये वायरलेस सेल्फी स्टिक है, इसको जो है ना हम वायर की मदद से जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह भी बना सकते हैं, और इसके साथ ही जो है ना ये इसका जो है अभी ट्राईपॉड मैं खोल रहा हूँ आपके साथ, माशाल्लाह से चेक करें इसका ट्राईपॉड, ये ट्राईपॉड है इसका जी, और माशाल्लाह देखें कितनी बड़ी ज़बरदस्त जो है ना हमारी सेल्फी स्टिक है। इसको आप नीचे रख के, इस तरह आप नीचे रख के भी अपनी वीडियो वगैरह शूट कर सकते हैं, अगर कोई आपके पास नहीं है तब आप इसको सेल्फी की मदद से इस तरह जो है ना आप इसकी इससे वीडियो वगैरह अपनी जो है ना वो बना सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी और स्टफ बहुत प्यारा जो मुझे दराज ने भेजा है। तो अभी मैं इससे भी व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ और आपके साथ मैं शेयर करता हूँ इसको यूज़ करने का जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त तरीका। ये देखें जी, इस तरह आप लोगों ने अपने मोबाइल को, अगर ने अपने मोबाइल को जो है वो वर्टिकली लगाना है तो ये वर्टिकली लग जाएगा, ठीक है जी। अगर आपने हॉरिजॉन्टली लगाना है तो इसको आप यूँ ऐसे मूव करेंगे तो आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टली भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ऊपर छोटी सी लाइट भी लगाई हुई है और पीछे उसका बटन है लाइट चलाने के लिए, जो इस तरह ऑन करेंगे तो ये देखें कि लाइट चलना शुरू हो गई है। लाइट मिड और लो भी होती है और हाई भी होती है, तो इसके ऊपर ये उन्होंने ग्लास भी लगाया हुआ था। अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और एक चीज़ और, ये चार्ज केबल है और मैं आपको इसकी चार्ज केबल भी दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये वाइट कलर की जो है ना इसके साथ जो है उन्होंने चार्जिंग केबल भेज दिया, अडॉप्टर मोबाइल वाला यूज़ हो जाएगा आगे, चार्जर वीवो वाला चार्जर, तो इसको जो है ना वो हम चार्ज कर लिया करेंगे।
तो चार्जिंग केबल पता नहीं कहाँ पे लगती है, चले वो भी चेक कर लेंगे। तो अभी हम व्लॉगिंग करते हैं इससे और आपको मैं दिखाता हूँ कि व्लॉगिंग किस तरह करते हैं। हाँ जी, तो मैंने मोबाइल जो है उसको अपनी स्टिक के साथ एडजस्ट कर लिया है। अभी फाइनली जो है बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और व्लॉगिंग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत करूँ फजल और शुक्र के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के बज चुके हैं 10 और एक नई सुबह के साथ आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे सब खैरियत से होंगे, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, शुक्रिया। तो जैसा कि आप लोग देख लें कि मैं एक आया हुआ हूँ लॉन्ग में और यहाँ पर जो है ना बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें हैं और पीछे मेरे रोड है, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि पीछे रोड है और ये मेरी बाइक खड़ी है और माशाल्लाह से दराज वालों ने सेल्फी स्टिक भेजी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके साथ। और देखने जितने भी व्यूज हैं वो आपको मैं आज क्लियरली जो है इसके अंदर जो है वो शो करवा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दराज के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रस्ट हो चुका है। इंशाल्लाह नई नई चीज़ें अब मैं दराज से ऑनलाइन परचेज़ किया करूँगा। थैंक यू दराज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के बज चुके हैं 10 और एक नई सुबह के साथ आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, शुक्रिया। तो जैसा कि आप लोग देख लें कि मैं एक आया हुआ हूँ लॉन्ग में और यहाँ पर जो है ना बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें हैं और पीछे मेरे रोड है, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि पीछे रोड है और ये मेरी बाइक खड़ी है और माशाल्लाह से दराज वालों ने सेल्फी स्टिक भेजी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके साथ। और देख लें जी जितने भी व्यूज़ हैं वो आपको मैं आज क्लियरली जो है इसके अंदर जो है वो शो करवा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा दराज के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रस्ट हो चुका है। इंशाल्लाह नई नई चीज़ें अब मैं दराज से ऑनलाइन परचेज़ किया करूँगा। थैंक यू दराज। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो और मेरी नई सेल्फी स्टिक, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। जो जो क्वेश्चन होंगे आपके इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी जो ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं अपनी सेल्फी स्टिक के साथ और बहुत ज़्यादा जो है ना स्मूथ, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हूँ मैं इसके साथ। पहले मोबाइल को हाथ में पकड़ते थे, यूँ ऐसे ऐसे घुमाते थे, आप ईज़िली है हर चीज़ को ईज़िली जो है ना वो घुमाया जा सकता है और ईज़िली आप लोगों के साथ इसको हम शेयर कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा अच्छी, पहले से ज़्यादा स्मूथ, खूबसूरत जो है वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिए कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं दी एंड, इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। दिलावर अली को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।